बच्चों आप सभी का ऑनलाइन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हमने लास्ट लेसन में हमने जो है अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने ये सीखा कि अपठित गद्यांश जो पढ़ा हुआ नहीं होता है अर्थात जो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं और उसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी ही गद्यांश में से ढूंढकर उत्तर अपने शब्दों में लिखने होते हैं। इस प्रकार के जो है हमने जानकारी लास्ट सेशन में प्राप्त की थी। अब बच्चों हम लोग आज अपठित काव्यांश अर्थात अपठित पद्यांश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अपठित काव्यांश क्या होता है या पद्यांश क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। अपठित जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पढ़ा हुआ नहीं है या जो पढ़ाया गया नहीं है ऐसे पद्यांश या काव्यांश मतलब कविता। काव्यांश या पद्यांश मतलब होता है कविता। तो ऐसी कविता हमने लास्ट सेशन में गद्यांश देखा मतलब पैसेज जो एक स्टोरी टाइप जो है या निबंध टाइप हमको पूछे जाते हैं वो हमारा जो है एक स्टोरी टाइप होता था लेकिन ये आपका जो है पोयम टाइप है। ये जो है आपका कविता से जुड़ा कविता से जो है संबंधित है। तो ये काव्यांश है क्योंकि कविता है, पद्यांश है क्योंकि ये पद है, किसी जो है कवि के अनुसार लिखा हुआ ये काव्य है या पद है इसलिए इसको काव्यांश और पद्यांश कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपठित काव्यांश, जो काव्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि वह काव्यांश जो पहले पढ़ा नहीं गया हो ऐसे अपठित काव्यांश को अपठित काव्यांश कहा जाता है। अपठित काव्यांश पर भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित काव्यांश में भी आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला है अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसमें कैसे होता है? इसमें आपको कविता पूछ ली जाती है और नीचे आपको जो है उस कविता से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको उन्हीं कविता में से ढूंढकर लिखने होते हैं। ये इसका पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार यह है कि काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। इसमें भी आपको जो है कविता या काव्य पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन इन प्रश्नों के चार विकल्प होते हैं, चार जो है आपको ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है सही होता है, बस उसमें आपको टिक मार्क करने होते हैं। तो इस तरह आपको जो है इसका आंसर देना होता है। लेकिन बच्चों ये दूसरा प्रकार आपको जो है छोटी कक्षाओं के लिए होता है लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए हमारा जो पहला प्रकार है उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ जो है प्रमुख बातें मुख्य बातें क्या है उसे मैं ध्यान से समझना है, जानना है, इसी आधार पर आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला, सबसे पहले अपठित काव्यांश को दो तीन बार ध्यान से पढ़ें। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको अपने काव्यांश को दो तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है, पढ़कर जो है कविता के भाव आपको समझने हैं। जब तक आप उसके भाव उसके भावार्थ नहीं समझ पाओगे तब तक आप जो है प्रश्नों के उत्तर सही मायने में नहीं दे पाओगे। काव्य के भाव को अच्छी तरह समझ ले, काव्य कौन सी भावना है, कौन सा व्याख्या है उसे हमें जो है भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, संक्षेप मतलब सरल भाव में, सरल भाषा में आपको लिखने हैं, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दे। आपको जो है प्रश्न का उत्तर छोटे वाक्यों में, सरल वाक्यों में आपको उसके जो है आंसर देने हैं। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हो तो विकल्पों को ध्यान से पढ़े और उनके अर्थ समझे फिर सही उत्तर चुने। अगर आपको उनके विकल्प ऑप्शन दिए गए हैं तो उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर
और उन जो विकल्प को भी ध्यान से पढ़ें और ऊपर जो कविता दिया गया है उसे भी ध्यान से पढ़ें तो आप जो है सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखे किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। अगर आपको शीर्षक अर्थात वह टाइटल नेम, कविता का नाम, ये कविता जो है टाइटल नेम क्या है उसको जो है शीर्षक कहा जाता है, तो कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए, टाइटल नेम क्या होना चाहिए, उसको आप जब तक कविता ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो उसका मूल भाव और उद्देश्य नहीं पता चलेगा। तो आपको उसको पढ़ना है, समझना है, तब आपको जो उसका मूल भाव और उद्देश्य समझ में आ जाएगा। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर फिर उसका जो है कविता का शीर्षक लिखना है, कविता का टाइटल नेम लिखना है। तो बच्चों हमें इन पांचों बिंदुओं को बड़े ध्यान से समझना है और इसे अपठित काव्यांश को करने के लिए इसका जो है सहायता हमें लेना होगा। इन पांचों पहलुओं को ध्यान देकर अपने जो कविता के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बच्चों आपके स्क्रीन पर एक जो है कविता जो है दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके इन्हें समझना है आपकी इस कविता का भावार्थ क्या है और इस कविता का उद्देश्य क्या है। चलिए मैं जो है कविता पढ़ लेता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और मेरे पीछे दोहराना है और इसके भाव और जो है उद्देश्य को भी हमें समझना है। अमल धौल गिरी के शिखर पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में, समतल देशों से आकर पावस की उष्म से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो बच्चों इस कविता का हम लोग अब भावार्थ जो है समझ लेंगे। प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं उनका नाम नागार्जुन है, जो हिंदी साहित्य के महान कवि जो है माने जाते हैं। इसका भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उज्ज्वल शिखरों पर बादलों को घिरते उन्होंने इसे देखा है। कवि ने बादलों को मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंदों के रूप में मानसरोवर झील में स्थित पत्रों पर गिरते हुए उन्होंने जो है देखा है। हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों अनेक झील स्थित है, उन झीलों के शांत व गहरे नीले जल पर मैदान क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे व मीठे कोमल जो रेशाएं होती है खोजते हुए उन्हें देखा है। इस प्रकार कवि इन झीलों में विचरण करते हुए हंसों का वर्णन जो है अपने शब्दों में अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने किया है। चलिए बच्चों अब जो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और प्रश्नों पढ़ के जानेंगे इन प्रश्न के उत्तर हमें कैसे लिखने हैं। तो सामने आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, हिमालय की चोटियाँ कैसी है। अब बच्चों हिमालय की चोटियाँ कैसी है, तो यहाँ पर लिखा है अमर धवल गिरी के शिखर पर बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर आपको कोष्टक दे दिया गया है, अर्थात आपका आंसर जो है इसी दो लाइन में है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हिमालय की चोटियाँ सफ़ेद स्वच्छ और बादलों से गिरी है। अमल ध्वल अर्थात होता है सफ़ेद चोटी, स्वच्छ और बादल से गिरते देखा है। तो ये जो है आपका आंसर आपके ही शब्दों में होना चाहिए। हिमालय की चोटियाँ कैसी है, हिमालय की चोटियाँ सफ़ेद है, स्वच्छ है और बादलों से गिरी है। चलिए अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। हिमालय पर झीलें कहाँ और किस रूप में मिलती है।
अब यहाँ पर झील झीलमत झरना कहाँ और किस रूप में मिलती है, इसका आंसर जो है आपको ऊपर जो है कोष्टक में दे दिया गया है। इन दो जो है लाइन में इसके आंसर है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। इसका आंसर जो है अपने शब्द में लिखना है, हिमालय की चोटियों के बीच बीच निचली घाटियों में झीलें पाई जाती है। यह झीलें छोटी तथा बड़ी दोनों प्रकार की है। यहाँ पर आपको दिया गया है तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, तो छोटी भी है बड़ी भी है, तो यहाँ पर अपने शब्दों में इसे प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह आपको जो है इन प्रश्नों के जो है उत्तर अपने शब्दों में देने होते हैं। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, झीलों में कौन से पक्षी कहाँ से और क्यों आते हैं। अब इसका आंसर जो यहाँ पर जो है कोष्टक में आपको दो लाइन में दिया गया है, इन्हीं दो कविता के लाइन में इसका आंसर है, तिक्त मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। झीलों में हंस आते हैं, ये हंस वर्षा की उमस से परेशान होकर मैदानी क्षेत्र से बिसंतु अर्थात कमल के रेशों को खाने के लिए यहाँ आते हैं। जो पक्षी जो है कमल के रेशे खाते हैं, ऐसे पक्षी जो है यहाँ पर आते हैं। और पक्षी कौन है, पक्षी जो है हंस हैं। इस तरह अपने शब्दों में इसे आंसर देना है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब आपको जो है इस कविता को इस कविता के आधार पर जो है इसका टाइटल नेम अर्थात शीर्षक जो है लिखना है। तो हमने जो है इस कविता को पढ़ा जाना समझा कि इसका भावार्थ उद्देश्य क्या है, तो उसी उद्देश्य अनुसार इसका जो है शीर्षक नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो है आंसर में आप देख लीजिए, उपयुक्त काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हिमालय और प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की जो सुंदरता के बारे में अधिक बखान किया गया है, तो हिमालय और प्रकृति के प्रकृति एक ऐसा हम शीर्षक जो है दे सकते हैं, या फिर हम तुंग हिमालय, हिमालय की स्वच्छता हिमालय की सुंदरता, ऐसे जो है हम इसका शीर्षक देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक सरल जो है अपना शीर्षक देख सकते हैं कि बादल को गिरते देखा है, ये भी आप जो है एक शीर्षक दे सकते हो जो आपके कविता में बार बार इसका प्रयोग किया गया है, तो ये भी एक जो है सुंदर और सरल जो है आपका शीर्षक हो सकता है। उसके बाद आपका जो है पांचवा क्वेश्चन है, श्यामल नील सलील का आशय स्पष्ट कीजिए। श्यामल नील सलील का अर्थ क्या होता है, आशय मतलब अर्थ क्या होता है, इसे जो है अपने शब्दों में व्यक्त करना, अपने शब्दों में लिखना है। चलिए आंसर हम देख लेते हैं, श्यामल और सलील का आशय यह है कि हिमालय की घाटियों में स्थित झीलों का पानी गहरा। इसका जो है आप दोबारा अर्थ जो है समझ लेंगे कि हिमालय की घाटियों में, घाटियों मतलब उसका जो हिमालय के द्वारा जो नीचे जहाँ पर पानी गिरते हैं उन्हें घाटियों कहा गया है, घाटियों में स्थित झीलों का पानी गहरा, जहाँ पर पानी गहरा होता है स्वच्छ और झीलों के आसपास की हरितिमा एवं पहाड़ का छाया आदि कारण गहरे श्यामले रंग हैं जो बहुत आकर्षक है। अर्थात जो हिमालय के द्वारा जो झीलों का पानी जो गहरे खड्डे में गहरे जो है खड्डे में गिरता है और उसके आसपास जो हरिदत्ता मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसके कारण जो छांव होती है उसी को श्यामल नील सलील का जो है अर्थ दिया गया है। मतलब श्यामल नील सलील का अर्थ यही है, ये जो भाई जो जो वहाँ का जो दृश्य हो जाता है वो काफ़ी आकर्षक हो जाता है और काफ़ी जो है सुंदर हो जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको जो है ये कविता ये अनसीन पैसेज या यह जो है अपठित काव्यांश अपठित जो है पद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप जो है आपको जो है होमवर्क के तौर पर जो है आपको वर्कशीट दिया जा रहा है जिसमें आपको जो है अभ्यास के तौर पर आपको जो है अपठित काव्यांश जो है दिए गए हैं। आपको जो है उन कविताओं को ध्यान से पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है अपने शब्दों में सरल भाषाओं में आपको जो है लिखने हैं। और जब हमारा स्कूल स्टार्ट होगा तो हम जो है इसके जो है आंसर पर जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे ताकि जो भी आपको डाउट होंगे वो डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो है अपठित
काव्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कार्यपत्रक द्वारा आप जो है इसे और अपने अभ्यास द्वारा इसे समझ लेंगे। तो बच्चों अभी के लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए सेशन में एक नए टॉपिक पर एक नए पार्ट पर जो है हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।